हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ दाल रोटी तो क्या है। फूड इन्फ्लेशन इजेंट अक्रॉस द बोर्ड। इट कॉल्स फॉर अ नुआंस्ड अप्रोच दैट बैलेंस कस्टमर एंड प्रोड्यूसर इंटरेस्ट। नुआंस्ड मतलब इतना सिंपल नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पे एडेड हो। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैज़ फॉलन फ्रॉम 7.4% टू 5% ईयर ऑन ईयर बिटवीन द जुलाई एंड सेप्टेम्बर। बिलोंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6% अपर टॉलरेंस लिमिट। जैसे हमने देखा 4 ± 2% इसका आरबीआई का टॉलरेंस लेवल होता है। मतलब अगर देखें इसको तो 2 to 6%, तो ये 6 से तो ऊपर है आपका 7.4%। तो देखिए, बिलो द आरबीआईज 6% अपर कट टॉलरेंस लिमिट, इट हैज़ कम टू अ बैक ऑफ रिटेल फूड इन्फ्लेशन रजिस्टरिंग एंड स्टार्ट शार्पर डिक्लाइन फ्रॉम 11% to 6.6% ड्यूरिंग दिस पीरियड। मच ऑफ द फूड इन्फ्लेशन इज एट प्रेजेंट कंसनट्रेशन इन सीरियल्स, जो आपका 10.9% पर है, एंड पल्सेस जो आपका 16.4% पर है, वाइल द प्राइजेस इंक्रीज इन वेजिटेबल एंड मिल्क। तो मिल्क और वेजिटेबल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। मिल्क के क्यों बढ़ रहे हैं, हमने एक आर्टिकल में कवर किया था, क्योंकि उसका फॉर्डर बढ़ रहा है, गाय को खिलाने वाला चारा महंगा हो रहा है। आइटम्स दैट वर अ सोर्स ऑफ एंगेस्ट अंटिल रिसेंटली हैव कंसिडरेबली मॉडरेटेड। तो जो अभी तक परेशान कर रहे थे वो तो मॉडरेट हो रहे हैं। देर इज नो बेटर इंडिकेटर ऑफ रिलीफ ऑन द वेजिटेबल प्राइस फ्रंट देन टमेटोज, हुज एनुअल इन्फ्लेशन हैज कोलैप्स्ड फ्रॉम अ मिट बॉगलिंग 202.1% इन जुलाई टू माइनस 21.5% इन सितंबर। एडिबल ऑयल इन्फ्लेशन आप देखिए, हैज़ बीन अ नेगेटिव और लो सिंगल डिजिट फॉर ओवर ईयर। इन्फ्लेशन हैज़ बीन हाई फॉर सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस बट सफिशियंटली अनकंट्रोल्ड इन शुगर। तो आप देखिए, शुगर में इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, पर आपके सॉल्ट में और स्पाइसेस में हाई है अभी। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दैट द फूड इन्फ्लेशन इज नो लॉन्गर जनरलाइज्ड। तो ये अब जनरल ट्रेंड नहीं है। वाइल इट्स अर्ली टू से दैट द वर्स्ट इज ओवर। तो अभी क्या महंगाई खत्म हो गई फूड इन्फ्लेशन की, ये कहना अभी सही नहीं है। अभी हो सकता है और चीज़ें खराब हों और चीज़ें महंगी हों। एल नीनोज इम्पैक्ट हैजन बीन एज बैड एज वॉज इट वॉज फियर्ड। देर वॉज डेफिनेटली अ लॉट टू वरी अबाउट वेन इंडिया रिकॉर्डेड द ड्राइस्ट एंड ऑल्सो द हॉटेस्ट अगस्त दिस टाइम। तो इस बार का अगस्त जो था ड्राइस्ट, अब देखिए, चलिए मैं आपको ये एल नीनो हो गया, ठीक है, और इस बार का जो अगस्त था वो क्या था, ड्राइस्ट था अपना और हॉटेस्ट था, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और किस वजह से था, एल नीनो की वजह से था। थैंकफुली रेनफॉल वॉज 13.2% सरप्लस इन सेप्टेम्बर। तो सेप्टेम्बर में रेनफॉल अच्छी खासी हो गई। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लाइफ सेविंग शॉवर्स फ्रॉम फॉर द स्टैंडिंग खारिफ क्रॉप, हमारे लिए खारिफ क्रॉप आ गया इम्पोर्टेंट। अब देखिए, इससे हम लोग इस आर्टिकल से इतना, अगर कोई खारिफ रबी नहीं जानता है, इतना तो जानते हैं कि अगर बारिश हुई सितंबर में खारिफ क्रॉप के लिए वो अच्छा है, स्टैंडिंग खारिफ क्रॉप। तो मतलब सितंबर में तो खारिफ क्रॉप अभी स्टैंडिंग है, ठीक है। खारिफ क्रॉप स्टैंडिंग है मतलब उसको बोया कब गया होगा, तो आप समझिए गर्मी में। तो ये हो गया आपका खारिफ क्रॉप। इट हैज़ पार्ट द ओवरऑल वाटर लेवल डेफिसिट इन मेजर रिजर्वियर्स रिलेटिव टू 10 ईयर एवरेज टू 5.6% फ्रॉम द 13.8% ऑन सेप्टेम्बर 6। रीजनेबली फिल्ड अप डैम रिजर्वियर एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर टेबल शुड इनेबल प्लांटिंग ऑफ द कमिंग राबी सीजन। अब देखिए, अब इसको स्टैंडिंग क्रॉप्स है, इसको काटा जाएगा, उसके बाद राबी सीजन आएगा। इसको बोया जाएगा ठंडी में, इसको काटा जाएगा ठंडी में, इसको बोया जाएगा ठंडी में, रबी क्रॉप आपका, ठीक है। द प्रोस्पेक्ट फॉर विच सीम्ड डायर टिल द मॉनसून स्टेज टाइमली रिकवरी इन सेप्टेम्बर, दिस शुड फॉर नाउ केप्ट अ लेड ऑन फूड प्राइस इन जनरल। फूड इन्फ्लेशन इज इफ ऑल द टाइम लिमिटेड टू दाल रोटी अनलाइक वेन इट्स इफेक्ट एक्सटेंडेड इवन टू सब्जी एंड दूध। तो आप देखिए, दाल रोटी से वो सब्जी दूध पर भी उसका इन्फ्लेशन आ रहा है। If food inflation isn't across the board, it calls for a more nuanced approach from the government
दैट बैलेंस बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इंटरेस्ट। तो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्लेक्स अप्रोच लेके चले, जिसके वजह से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस किया जा सके। करेंटली इट हैज चोजन स्लेज हैमर स्ट्रेटेजी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्लेज हैमर स्ट्रेटेजी टू कीप प्राइजेस लो एट ऑल कॉस्ट। तो मतलब प्राइजेस को लो ही रखो कोई भी सिचुएशन हो जाए। थ्रू एक्सपोर्ट बैंस, रिस्ट्रिक्शंस ऑन व्हीट, शुगर, ओनियन एंड मोस्ट राइजेस एंड स्टॉकिंग लिमिट पल्सेस एंड व्हीट। तो आप भाई एक्सपोर्ट बैन करो और आप इन सबको स्टॉकिंग लिमिट लगाओ इन सब के ऊपर, कि कोई ऐसा ना करे स्टॉक करके महंगाई बढ़वा दे और महंगाई में फिर अपना सामान बेच के उस पर प्रॉफिट कमाए। तो एक्सपोर्ट बैन करो, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टॉकिंग लिमिट करो। और ये रहा प्रिविलेजिंग कंज्यूमर ओवर द प्रोड्यूसर में ऑल्सो भी मे बी पॉलिटिकली एक्सपीडियंट टू, एज अ फॉर्मर जनरली आउट नंबर्ड द लेटर, बट द स्ट्रेटजी कैन बैकफायर वेन फार्म वोट मैटर्स। सोयाबीन ट्रेडिंग बिलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अमिड ऑल टाइम हाई वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्ट्स कुड वेल बी एन इशू इन नेक्स्ट मंथ्स मध्य प्रदेश एंड राजस्थान पोल। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल इशू, अब इलेक्शन भी आ रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इशू होगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू टेक अ व्यू बियॉन्ड इलेक्शन, आर एक्सक्लूसिवली प्रो कंज्यूमर पॉलिसी और कंडक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट इन अ सेक्टर विद द हाइएस्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बोथ ऑन एंड ऑफ फार्म। तो देखिए हमारे लिए इस आर्टिकल में अब हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा आप देखिए यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की बात हो रही है, ठीक है। थर्ड एलनीनो की बात हो रही है यहाँ पे, आप देखिए। फोर्थ, इस बार का जो अगस्त था वो सबसे ड्राइस्ट था और हॉटेस्ट था, किसके वजह से, एलनीनो की वजह से। फिफ्थ कैसे कवर हुआ, सितंबर में जो शॉवर हुए, रेनफॉल हुए, उससे ये चीज इसको कैटर कर गया। तो जो इफेक्ट पड़ना था हमारे पास, ड्रॉट जैसा सिचुएशन आना था एलनीनो की वजह से, ड्रॉट जैसा सिचुएशन आना था वो नहीं आया, किसके वजह से, सितंबर शॉवर के वजह से। अब सिक्स्थ देखिए, अभी खारिफ क्रॉप स्टैंडिंग है, आपका क्या चल रहा है, अक्टूबर, इस चीज को ये भी कैटर कर दिया, इसके लिए अच्छा हो गया। तो खारिफ आप देखिए सो कब किया जाता है, समर में, और काटा कब जाता है, हार्वेस्ट ये किया जाता है आपका विंटर में। तो ऐसे याद रखना है हमें। और सेवेंथ फिर आ जाता है आपका राबी क्रॉप, राबी क्रॉप कब आपको सो करना है, ये विंटर में, और इसका हार्वेस्ट कब होगा, ये होगा आपका समर में। तो ये साइकिल हमें याद रखनी है। अब हमें इसमें अलग अलग क्रॉप्स देख लेने, कौन से क्रॉप्स आपके इसमें, आपके खरीफ में आते हैं, कौन से क्रॉप्स आपके रबी में आते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ये स्ट्रेटेजी हमें देखना है, स्लेज हैमर स्ट्रेटेजी, स्लेज हैमर स्ट्रेटेजी। तो भाई ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा क्या है, मैंने ये टर्म पढ़ा है अभी, इसको मैं सर्च करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसके ऊपर कोई शॉर्ट वीडियो या एक शॉर्ट्स जो है आपका वो ले आऊंगा। तो एक ये हो गया, आप देखिए और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सॉल्ट, स्पाइसेस, शुगर, मिल्क, वेजिटेबल्स, ठीक है, और आप देखिए पल्सेस और सीरियल्स यहाँ पे लिखा था, और दाल रोटी से भी अब स्पिल ओवर इफेक्ट हो के आपके सब्जी चावल पर आ गया है। सोयाबीन, ठीक है, और आप देखिए पल्सेस वीट तो मैंने कवर कर लिया। तो ये जितने इसमें मेंशन क्रॉप्स हैं हमें वो सारे तो पता होने ही चाहिए, कि क्या उसका कंडीशन होता है, कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे नहीं मिल रहा है आप मुझको कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा।
सो थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स.